वेलकम टू लखनऊ किचन। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन कौरमा बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने ये आधा किलो चिकन लिया हुआ है। इसमें हम थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे, नमक और थोड़ा सा कलर मिलाएंगे। थोड़ा सा आधा चम्मच नमक और ये थोड़ा सा कलर इसमें हम मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से, और इसको आधे से एक घंटे तक की मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। चाहे तो आप फ्रिज में रख दें और या बाहर भी रख सकते हैं। अगर ज़्यादा देर के लिए रखना है तो फ्रिज के अंदर ही रखें। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे आधे से एक घंटे के लिए यूं ही छोड़ देंगे और फिर इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ये चिकन मैरिनेट हो गया है, एक घंटा इसको हमने रखा है फ्रिज में। अब इसके हम लिए पकाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ी प्याज बारीक कटी हुई, एक सिनेमन स्टिक होता है उसको लिया है, दो इलायची हैं, 6-7 लौंगे हैं, एक तेज पत्ता है, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच प्याज का पेस्ट है ये, और ये 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्चा और ये नमक है। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, कम और ज़्यादा कर सकते हैं इसको। ये हमने थोड़े से काजू लिए हैं, ये खुशबू का मसाला है। इसमें लौंग, इलायची, जावित्री, जायफल सब मिक्स है। ये 1 चम्मच भर के खशखश लिया है जिसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। ये हमें 100 ग्राम दही चाहिए होगा। अब इसको हम बघारते हैं। ये कुकर में हमने 150 ml रिफाइंड ऑयल ले लिया है। अब इसमें हम चिकन को बघारेंगे। ये मीठा इतर है और ये केवड़ा है, इनका भी यूज़ हम सबसे एंड में करेंगे। ये प्याज हम गोल्डन फ्राई करके इसे बाहर निकाल लेंगे। ये प्याज अब गुलाबी होने लगी है। ये काजू जो हमने लिए थे ये भी हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा इनको भी फ्राई कर लेंगे। बस कुछ 1 सेकंड के लिए काजू फ्राई कर लें और अब इन प्याज को और काजू को सबको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने सारा प्याज काजू सब चीज़ निकाल लिया है और इसमें से लौंग, इलायची, तेज़पत्ता हमने फिर से तेल में ही डाल दिया है। अगर आप चाहें तो ये लौंग, इलायची और तेज़पत्ता बाद में डालें, साथ में ना डालें। अब हम इसमें चिकन डाल देते हैं। चिकन देखिए पकने लगा है, इसको थोड़ी सी देर पकाना है, बस 2-3 मिनट इसको तेल में फ्राई कर लें। फिर इसको अदरक लहसुन के साथ हम भूनेंगे। अब हम इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। अब इसके साथ चिकन को 5 मिनट तक भून लेंगे। ये देखिए, अदरक लहसुन के साथ भी हमने चिकन को खूब भून लिया है 5 मिनट तक। अब इसमें हम ये धनिया, मिर्चा और नमक भी डाल देंगे। अब ये स्लो फ्लेम पर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि
चिकन गल नहीं जाता है। उसके बाद हम इसमें ये काजू और नारियल का पेस्ट और ये खसखस का पेस्ट डालेंगे और साथ ही दही भी डालेंगे। खुशबू का मसाला सबसे एंड में डालेंगे। देखिए चिकन अच्छी तरीके से भुन गया है, इसमें ऑयल भी छोड़ दिया है और चिकन भी गल गया है। अब इसमें हम ये प्याज का और जो काजू था और खसखस था उसका पेस्ट हमने बना लिया है। इसमें पानी की जगह हमने थोड़ा दही डाल दिया है और थोड़ा दही अभी इसमें बाकी है, ये हम इसे में डालेंगे। तो सारा पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है और दही भी डाल दिया है। अब हम इसके साथ इसको अच्छे से भून लेंगे। अब मुस्तकिल इसको चलाते रहना है क्योंकि जो काजू वगैरह डाला है हमने ये नीचे लग सकता है। अब ये धीमी आंच पे इसे चिकन को हमें धीरे धीरे भूनना है जिससे नीचे ना लगे और अच्छी तरीके से बिल्कुल कौरमा बन जाए, भून के तैयार हो जाए। अब इस टाइम हम इसमें ये खुशबू का मसाला डाल देंगे और ये केवड़ा वाटर डाल देंगे और मीठा इतर भी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे ये हल्का सलसला हो जाए, ज़्यादा पतला नहीं रखना है। अब चिकन बिल्कुल तैयार है, गैस ऑफ कर देते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए मुगलई चिकन कौरमा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे रुमाली रोटी के साथ सर्व करें या ना, या जो है पेशावरी नान के साथ भी ये खाया जाता है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।